हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो मिडिवल हिस्ट्री का होगा, हमारा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत रिफ़र करता है उस फेज को मिडिवल हिस्ट्री का, उस टाइम को जहाँ पे टर्किस इन्वेडर्स का इमर्जेंस देखने को मिला। टर्किस जो हमने देखा था कि नॉर्दर्न इंडिया में पिछले वीडियोस में कैसे अरब जब इन्वेजन हम स्टडी कर रहे थे, उस टाइम में नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर टर्किस का अटैक होता है और रीजनल किंगडम्स को सब्जुगेट किया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। जो अर्ली मिडिवल हिस्ट्री में स्पेशली जो राजपूत वगैरह थे वो इमर्ज होकर आए थे, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। और इसी जो पीरियड होगा, इस पीरियड को कहा जाएगा आपको एंड ऑफ अर्ली मिडिवल पीरियड पावर। ठीक है, तो वही बोला है कि दिल्ली सल्तनत रिफर्स टू द फेज ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री का वह फेज होगा, वह टाइम होगा दैट विटनेस द इमर्जेंस ऑफ टर्किश इन्वेडर्स इन नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टर्किश इन्वेडर्स का जो इमर्जेंस होता है, सब्जुगेटिंग द रीजनल किंगडम। तो रीजनल किंगडम को सब्जुगेट करने के बाद दैट ब्लूम्ड इन अर्ली मिडिवल हिस्ट्री। अर्ली मिडिवल हिस्ट्री का है तो 750 to 1000 CE के बीच में बहुत सारा रीजनल किंगडम्स इमर्ज हुआ था, जैसे कि राजपूत। ठीक है, तो उनको इन्होंने क्या किया, अटैक करके हराया। ठीक है, एंड दिस ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ अर्ली मिडिवल पीरियड पावर। और इस तरह से जो अर्ली मिडिवल पीरियड का पीरियड था वो भी ख़त्म होता है एक तरह से, और फिर एक लेटर मिडिवल पीरियड स्टार्ट होता है विद द दिल्ली सल्तनत। तो अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत कंसिस्ट ऑफ फाइव डायनेस्टिक किंगडम्स और सल्तनत बेस्ड इन दिल्ली। तो दिल्ली में बेस्ड 5 डायनेस्टिक किंगडम्स या सल्तनत आपको कंसिस्ट होता है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, द स्लेव डायनेस्टी, द खिलजी, तुगलक, ये बेसिकली टर्किस थे, और फिर सैयद और लोदी। सैयद आपका अरब थे और लोदी अफगान थे। ठीक है, स्लेव की अगर बात करें द स्लेव डायनेस्टी की, तो 1206 से लेकर 1290 तक इनका रूल रहा है, लगभग 84 सालों का। फिर 1290 से 1320 रहा है खिलजी डायनेस्टी का, 30 सालों का, तो बहुत ही छोटा टाइमलाइन इनका था खिलजी का। और तुगलक 1320 से 1414, लगभग 94 ईयर्स का इन्हें रूल रहा है। फिर सैयद सिर्फ 31 साल और 75 ईयर्स लोदी डायनेस्टी। तो अगर बात करें तुगलक डायनेस्टी, आप यहाँ पर देख सकते हैं 94 ईयर्स का इनका रूल रहा है। द तुगलक्स अंडर मोहम्मद बिन तुगलक हैड द मोस्ट एक्सटेंसिव टेरिटरीज वाइल सैयद हैड द लीस्ट टेरिटरी। तो सबसे ज़्यादा टेरिटरी किसके पास था, तो तुगलक अंडर मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब तुगलक भी और राजा कौन था, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव टेरिटरीज था उनके पास, और सैयद के पास सबसे कम था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत रिप्रेजेंट्स द राइज एंड रूल ऑफ न्यू पावर एट सेंटर दैट इज दिल्ली। दिल्ली सल्तनत क्या देखा कि एक नया पावर राइज करता है, रूल करता है सेंटर पे, दिल्ली में रूल करता है। तो दिल्ली राज यहाँ से स्टार्ट हो चुका था दिल्ली सल्तनत के साथ। टर्किश का जो इन्वेजन हुआ, हमने देखा, तो देखा भी था पिछले वीडियोज़ में कि टर्किश इन्वेजन अंडर मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के अंडर टर्किश का इन्वेजन होता है, लेट द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एज अ रिजल्ट ऑफ डिफीट ऑफ राजपूत। तो राजपूत को हार का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गोरी के हाथों, और फाइनली मोहम्मद गोरी दिल्ली सल्तनत को एस्टैब्लिश करते हैं, फाउंड करते हैं। अब सवाल ये उठता है क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर टर्किश विक्ट्री ओवर राजपूत। तो राजपूत के ऊपर जब टर्किश का विक्ट्री हो गया, टर्किश जीत गई और दिल्ली सल्तनत को एस्टैब्लिश कर दिया, तो क्या क्या फैक्टर्स था रिस्पॉन्सिबल। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट था, फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिचुएशन। जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो काफ़ी फ्रेजाइल था, काफ़ी कमज़ोर पॉलिटिकल व्यवस्था थी। अब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पोलिटिकल यूनिटी, कोई पोलिटिकल यूनिटी थी नहीं, राष्ट्रीय एक तो मतलब राजनीतिक एकता नहीं थी राज्यों के बीच में, एज दे वेर नेवर प्रेजेंटेड यूनाइटेड फ्रंट्स अगेंस्ट टर्क्स और एनी फॉरेन इन्वेडर्स। तो किसी भी टर्क्स या किसी फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ कोई यूनाइटेड फ्रंट्स ये लोग प्रेजेंट नहीं कर पाए, सब अलग अलग बटे हुए थे, इस कारण से ये कमज़ोर पड़ गए थे। ठीक है, फिर लैक ऑफ स्ट्रैटेजिक कंसनेस, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी नहीं थी इन फॉरेनर्स के खिलाफ। स्टार्ट वार प्रिपरेशन वेन द एनिमी इज एट द वार इज एट द डोर, जब दुश्मन दरवाजे पे आ जाता था तब जाके ये लड़ाई की शुरुआत करते थे, तैयारी शुरुआत करते थे। तो कोई इनिशियल में कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, स्ट्रैटेजी की कमी थी राजपूतों में। फिर सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ टर्क्स एज कम्पेयर टू राजपूत, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था सुप्रीम टर्क्स का वो कहीं ज़्यादा सुपीरियर था, स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू राजपूत। टर्क्स वेयर मोर स्विफ्ट ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ ऑफ कैवलरी, टर्क्स कहीं ज़्यादा स्विफ्ट थे ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ कैवलरीज। ठीक है, तो टर्क्स के बाद जो घुड़सवारी थी, घुड़सवार थे, तो कहीं ज़्यादा उनके कारण उसका स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग थे। ठीक है,
राजपूत आर्मी वॉज कैरेक्टराइज बाई द ह्यूज नंबर ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ वेल ट्रेन सोल्जर्स। तो इनमें वेल ट्रेन सोल्जर्स की कमी थी राजपूत आर्मी में, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा जरूर थे बट उनमें ट्रेनिंग की कमी थी, वेल ट्रेन नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका चार इंपॉर्टेंट रीजन है, फैक्टर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्किश विक्ट्री ओवर राजपूत। अब देखते हैं पहले डायनेस्टी जो कि दिल्ली सल्तनत का, वो है आपका सलीम डायनेस्टी। ठीक, तो इनके अगर इंपॉर्टेंट रूलर्स को देखें तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 के बीच में इनका रूल रहा, फिर इल्तुतमिश 1210 से 1230 के बीच में इनका रूल रहा कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश। उसके बाद इनकी बेटी आती है रजिया सुल्तान 3 सालों के लिए लगभग 1236 से लेकर 1239 के बीच में, फिर घियासुद्दीन बलबन 1265 से 1286, और लास्ट में कैकाबाद 1287 टू 90 और फिर एक कैमूर 1290 में ही। ठीक, तो सलीम डायनेस्टी क्या है ना, इसको हम ममलूक डायनेस्टी या इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं। अब इसके अंदर तीन सब डायनेस्टीज थी, थ्री सब डायनेस्टीज वेर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इनके टाइम में तीन अलग अलग डायनेस्टीज आई, एक कुतुबी डायनेस्टी 1206 से 11 जो कि फाउंड किया गया एस्टैब्लिश किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी आई 1211 से 66 के बीच में, यह फाउंड किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, फिर आया सेकेंड इलबरी डायनेस्टी, यह आया 1266 से 90 के बीच में, यह फाउंड किया गया बलबन के द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश एंड बलबन, तो ये याद रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया सुल्तान बीच में, फिर घियासुद्दीन बलबन एंड कैकाबाद एंड कैमूर। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इंपॉर्टेंट रूलर्स में कुतुबुद्दीन ऐबक ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो ये क्या थे, फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। ठीक है, तो ये कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, स्लेव डायनेस्टी के। और ये अपने चाइल्डहुड में ना ही वाज सोल्ड एज अ स्लेव, एक गुलाम के रूप में इनको बेचा गया था और रेज किया गया कहाँ, पर्सिया में, निसापुर एक जगह है पर्सिया में, वेयर ही वाज परचेज्ड बाई लोकल काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी। इनको लोकल काजी ने खरीदा, फिर उसके बाद वहाँ से ये चले गए मोहम्मद गोरी के पास, स्लेव बन गया। ही वॉज देन स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने क्या किया, हु मेड हिज गवर्नर, अपना गवर्नर बनाया इंडिया में जीतने के बाद। और आफ्टर हिज डेथ, मोहम्मद गोरी के मरने के बाद, ऐबक ने क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और स्लेव डायनेस्टी की इस्टेब्लिश किया। ही मेड लाहौर एज हिज कैपिटल, कैपिटल के रूप में लाहौर बनाया, इस्टेब्लिश किया। और जो टाइटल्स एज्यूम किए लाइक सुल्तान एंड अमीर आखुर दैट इज़ मास्टर ऑफ रॉयल स्टेबल इन घोड़ीज कोट। ठीक है, तो ये टाइटल्स इन्होंने लिया। ही वॉज नोन एज लाख बख्श, लाख बख्श इनको भी कहा जाता है। एंड ही गेव लॉट ऑफ लिबरल डोनेशन, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा लिबरल डोनेशंस दिए इसलिए कहा गया लाख बख्श। ठीक है, ही डिड नॉट इशू एनी कॉइन्स, इन्होंने कोई कॉइन्स इशू नहीं किया। एंड फॉर्मली इनको रिकगनाइज किया गया आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों के बाद इनको रिकगनाइज किया कि हाँ इंडिया के ये दिल्ली के सुल्तान है ये। ठीक है, इनको असिस्ट किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा इन कंकरिंग बिहार एंड बंगाल। तो बिहार और बंगाल जीतने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने हेल्प किया, बख्तियार खिलजी ने हेल्प किया। अगर बात करें इनकी कंस्ट्रक्शन की, तो इन्होंने पहला मॉस्क बनाया इंडिया में एट मेहरौली दिल्ली, उसका नाम था कुवत उल इस्लाम। ठीक है, तो दिल्ली में पहला मॉस्क बना मेहरौली, जाम नाम था कुवत उल इस्लाम। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में और स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, सिर्फ फर्स्ट स्टोरी ही बनवाया कि इनकी मौत हो गई और उसको कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने। और ये किसके मेमोरी में बनवा था, तो सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पर नहीं बनवा रहा था, याद रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, कुतुब मीनार है तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पर बनवाया होगा, नहीं, ये बनवाया था एक सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया जा रहा था, जिसे कंप्लीट कराया गया इल्तुतमिश के द्वारा। स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अगर मेजर कंक्वेस्ट की बात करें जो इसने जीत हासिल की, ही रीकंकर्ड बोथ बदायूं एंड फरुखाबाद को जीता इसने, एंड फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी एज वेल एज दिल्ली सल्तनत। तो स्लेव डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना ये करते हैं। ही पैटर्नाइज्ड हसन निज़ामी हु रोट तजुल मसीर। ठीक है, तो हसन निज़ामी ये लिखते हैं, हसन निज़ामी को इन्होंने सपोर्ट किया, जिनके द्वारा लिखा गया तजुल मसीर। ठीक है, फखल उद्दीन हु रोट तारीख मुबारक शाही। ठीक है, इनकी मौत कैसे हुई, तो ये खेल रहे थे चौघान पोलो, जो आज के पोलो खा जाता है उसको चौघान वो टर्म था, स्पोर्ट्स खेल रहे थे और उसी के दौरान वो गिर गए थे 1280 में खेलते वक्त, उनको चोट लग गई और इनसे इनकी मौत हो गई। और इनके मरने के बाद इनके एक असक्षम पुत्र आराम बख्श
बख्श, वो गद्दी पे बैठते हैं लेकिन सिर्फ 8 महीनों के लिए रूल कर पाते हैं, उसके बाद इनको रिप्लेस कर दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे आपके इल्तुतमिश। तो अगर बात करें मेजर कंकेस्ट की, तो ही डिफीट यल्दौस इन 1215 में यल्दौस को डिफीट किया इन द बैटल ऑफ तराइन, एंड 1217 में पंजाब से कबाचा को हराया। फिर इसके बेटे नसरुद्दीन महमूद ने क्या किया, बिहार और बंगाल को अपने कंट्रोल में लिया 1226 ईस्वी में, और इसने रणथंबोर भी कैप्चर किया 1226 ईस्वी में। ठीक है, विथ हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स, तो इल्तुतमिश के डिप्लोमेटिक स्किल्स के कारण ही प्रिवेंटेड मंगोल के अटैक को इसने रोका, एंड सेव्ड इंडिया फ्रॉम रैथ ऑफ चंगेज़ खान, चंगेज़ खान के अटैक से इंडिया को बचा के रखा इल्तुतमिश ने। ऑल्सो नोन एज तेमुजीर, ठीक है, तेमुजीर भी कहा गया, बाई रिफ्यूजिंग सेल्टर टू प्रिंस ऑफ ख्वारिज्म जलाल मंगबुरनी। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, बेसिकली एक चंगेज़ खान का मतलब एक प्रिंस था उस टाइम के, बाई रिफ्यूजिंग सेल्टर टू प्रिंस ऑफ ख्वारिज्म के प्रिंस जलाल मंगबुरनी, जब ये इसको ना मना कर दिया इल्तुतमिश ने सेंटर देने से, जिससे चंगेज़ खान के बच के अगर दे दिया होता तो फिर चंगेज़ खान का अटैक होता, तो एक डिप्लोमेटिक तरीके से डिप्लोमेटिक स्किल से इसने बचाया मंगोल के अटैक से, चंगेज़ खान के आक्रमण से। ठीक है, फिर 1234-35 एडी में क्या करता है, ही प्लैंडेड भिलसा एंड उज्जैन, भिलसा और उज्जैन को उसने लूट मचाई, एंड डिस्ट्रॉयड द महाकाल देव एट उज्जैन, उज्जैन में जो महाकाल देव एक मंदिर है बेसिकली, उसको डिस्ट्रॉय किया इसने। ठीक है, अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इंटू इकता, इसने क्या किया, अपने एम्पायर को डिवाइड कर दिया इकता में, और दैट इज़ असाइनमेंट ऑफ लैंड इन लियो ऑफ सैलरी, तो सैलरी के अलावा वो क्या करते थे, लैंड असाइन कर दिया करते थे ताकि उस पर जाओ, उस पर एग्रीकल्चर करो, खेती करो। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस दिस इन इंडिया, तो इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले पहले रूलर थे इल्तुतमिश, और इकता सिस्टम वॉज नॉट इंडिजनस टू इंडिया, ये कोई इंडिया में इंडिजनस नहीं था, जो सिर्फ इंडिया में हो रहा था, एंड वॉज ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये ओरिजिनली सेंट्रल एशिया में आपको ये डेवलप हुआ था। ठीक, ही ऑर्गेनाइज तुर्काने चहलगानी, ये ऑर्गेनाइज इन्होंने क्या किया, तुर्काने चहलगानी इन न्यू क्लास ऑफ रूलिंग एलिट्स, एक नया क्लास बनाया बेसिकली रूलिंग एलिट्स का, ऑफ 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स का। ठीक, द 40 दे वेयर टर्किश नॉबल्स हु हेल्प्ड सुल्तान इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्या थे बेसिकली टर्किश नॉबल्स हु हेल्प्ड सुल्तान इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो सुल्तान को हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक, सारे जानदर बट ग्रुप ऑफ रॉयल बॉडीगार्ड्स, तो रॉयल बॉडीगार्ड्स के ग्रुप को कहा गया सारे जानदर, वाइल हसने कुल्ब, क्या कहा गया, हसने कुल्ब वेयर 5000 कैवलरी मैन, घुड़सवार थे 5000 अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग, तो किंग के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थे आपके ये सारे जानदर, मतलब जो रॉयल बॉडीगार्ड्स थे, और हसने कुल्ब मतलब 5000 कैवलरी मैन, ये डायरेक्ट कंट्रोल में थे किंग के। ठीक है, द कैलिफ ऑफ बगदाद कन्फर्ड हिम द टाइटल ऑफ सुल्तान, एंड ही हिमसेल्फ अडॉप्टेड द टाइटल आमिर मोमिन दैट इज कमांडर ऑफ फेथफुल, तो बगदाद के कैलिफ ने क्या किया, इल्तुतमिश को टाइटल दिया सुल्तान का, और ये हिमसेल्फ टाइटल से अडॉप्ट करता है आमिर मोमिन मतलब कमांडर ऑफ फेथफुल, किसने, इल्तुतमिश ने। अगर हम क्वाइंस की बात करें तो क्वाइंस इशू किया गया इनके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा, तो ही इशूड प्योरली अरबिक कॉइन्स इशू किया ऑफ सिल्वर, उसे जिसे कहा गया टंका। ठीक है, ब्रांच कॉइन दैट इज ब्रॉन्ज एंड जेट्टल कॉपर, तो याद रखिएगा टंका ब्रांच एंड जेट्टल, टंका मतलब सिल्वर कॉइन, ब्रांच मतलब ब्रॉन्ज कॉइन, जेट्टल मतलब कॉपर कॉइन, ये इशू किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो ही इज़ नोन एज फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, टॉम बिल्डिंग के फादर के रूप में इनको जाना जाता है, दैट इज़
सुल्तानगढ़ ही इन दिल्ली, ठीक है, एंड कंप्लीटेड कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कंप्लीट करवाया इसने। हौज शमसी बनवाया, जामा मस्जिद जो बदायूं यूपी में है वो बनवाया, ठीक है। अंत कारण का दरवाज़ा राजस्थान में बनाया। पटनाइज मिन्हास उस सिराज, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, मिन्हास उस सिराज को ये क्या क्या पटनाइज किया, सपोर्ट किया, जिसने क्या लिखा, तबाकत नसरी लिखा गया था मिन्हास उस सिराज के द्वारा, जो सपोर्ट किया गया, सपोर्ट किया गया पटनाइज किया गया किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है इस लाइन में वो आपकी है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की अगर बात करें इंपॉर्टेंट इसके बारे में क्या पॉइंट्स है, तो ये है कि फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ मिडेवल इंडियाज सल्तनत पीरियड। तो इंडिया की जो मिडेवल इंडियाज का सल्तनत पीरियड था ना, इसमें इकलौती पहली और इकलौती महिला मुस्लिम लीडर है, ठीक है। सी डिस्कार्डेड पर्दा, ये पर्दा सिस्टम को इसने डिस्कार्ड किया, जो वेलिंग होता है उसको इसने, इसके खिलाफ इसने बोला, आवाज़ उठाई, ठीक है। हर अटेम्प्ट टू क्रिएट अ काउंटर नोबिलिटी ऑफ नॉन टक्स, तो इन्होंने अटेम्प्ट किया कि एक काउंटर नोबिलिटी तैयार किया जाए जिसमें नॉन टक्स हो। अब इससे क्या हुआ, रेज द टर्किश नोबल्स, तो टर्किश नोबल्स इसे बहुत गुस्सा हो गया, पर्टिकुलरली बात करें तो ओवर हर डिसीजन, रजिया सुल्तान ने एक डिसीजन लिया टू अपॉइंट अबसिन स्लेव याकूत इन ऑफिस ऑफ अमीर आखोड़, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल हॉर्सेज, एंड मलिक हसन एज चीफ आर्मी ऑफिसर। तो मलिक हसन चीफ आर्मी ऑफिसर के रूप में और अबसिन स्लेव याकूत को अमीर आखुर के ऑफिस में अपॉइंट किया गया, जो कि नॉन टर्क्स थे। तो इससे जो टर्क के नॉबल थे वो पर्टिकुलरली इनसे गुस्सा हो गया, ठीक है। सी फेस द रिवोल्ट ऑफ गवर्नर ऑफ भटिंडा, तो भटिंडा के गवर्नर से हाथों इनको एक रिवोल्ट भी झेलना पड़ा, बट सी मैनेज टू सक्सेसफुली सप्रेस तरसे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, सप्रेस भी कर दिया उस रिवोल्ट को। जो नेक्स्ट रूलर्स आए वो बहराम सा 1242 से 42 के बीच में, अलाउद्दीन मसूद सा 42 से 46, नसरुद्दीन महमूद 46 to 65, बलबन प्रिजन नसरुद्दीन मोहम्मद, बलबन ने क्या किया, वह प्रिजन जेल में डाल दिया किसे, नसरुद्दीन महमूद को, हु वाज हिज मास्टर, जो मास्टर था, एंड असेंडेड द थ्रोन, गद्दी बैठता है। तो बलबन बेसिकली गवर्नर था, ठीक है, और जो नसरुद्दीन मोहम्मद रूलर्स को क्या किया, बंदी बना के खुद वो गद्दी पर बैठता है और फिर इस्टेब्लिश करता है। इलवरी ट्राइब से ये भी था, ठीक है, बलबन की बात करें तो ही बिलोंग टू द इलवरी ट्राइब एंड वाज अ स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश का ही भी स्लेव था ये, ठीक है। ही वॉज नोन एज द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड ड्यू टू हिज सक्सेस टू डिफेंड मंगोल इन्वेजन्स ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ उलुग खान। तो बलबन को मिला उलुग खान का टाइटल, क्यों मिला, क्योंकि मंगोल के इन्वेजन को बहुत ही सक्सेसफुली इसने डिफेंड किया, ठीक है। फिर अमीर खुसरो तूतीय हिंद एडॉर्न्ड हिज कोर्ट, तो इन्हीं के कोर्ट में, बलबन के ही कोर्ट में अमीर खुसरो एग्जिस्ट कर रहे थे, जिसे कहा गया तूतीय हिंद भी कहा गया, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड रिग्रेस कोर्ट डिसिप्लिन, बहुत ही रिग्रेस कोर्ट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किए, एंड न्यू कस्टम जैसे कि सजदा करना, पैबोस किसिंग सुल्तान फिट, सुल्तान के फिट को किस करना, इसे पैबोस कहा गया, टू प्रूव हिज सुपेरियरिटी ओवर अदर नोबल्स, तो दूसरे नोबल के ऊपर अपनी सुपेरियरिटी को दिखाने के लिए सजदा और पैबोस स्टार्ट किया बलबन ने, ठीक है। ये पहले सुल्तान थे टू फॉर्मुलेट थ्योरी ऑफ किंगशिप और थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, तो किंगशिप की थ्योरी फॉर्मुलेट करने वाले या सॉवरेनिटी की थ्योरी फॉर्मुलेट करने वाले, मतलब किंग इज सुप्रीम ऐसा थ्योरी देने वाले, ये पहले सुल्तान थे। ही इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नरोज, एक पर्शियन फेस्टिवल नरोज इसको इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ही यूज्ड टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स एंड फनी मूड, तो इंटॉक्सिकेंट्स और फनी मूड से मतलब डिस्टेंस इनका था, दूरी बना कर रखते थे, इंटॉक्सिकेट वगैरह नहीं लेना था कोई गलत चीज़, ठीक है। ही यूज टू बिलीव दैट रियल थ्रेट टू द सल्तनत वाज चहलगानी, सो स्ट्रेस्ड अपॉन सेंट्रलाइजेशन एंड मोनार्की, इसका मानना ये था कि जो रियल खतरा है सल्तनत को वो चहलगानी से है, मतलब जो 40 नोबल्स का एक स्ट्रॉन्ग इलीट नोबल्स का ग्रुप था, इससे खतरा है। सो स्ट्रेस्ड अपॉन सेंट्रलाइजेशन, तो इनका फोकस था कि कैसे पावर को सेंट्रलाइज किया जाए, अपने पास रखा जाए और मोनार्की पे फोकस किया जाए, ठीक है। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एस नासिर अमीर उल मोमिन, दैट इज कैलिफ्स राइट हैंड मैन, तो इन्होंने खुद को क्या कहा, नासिर अमीर उल मोमिन,
क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स के नए डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया नोन एज दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज एंड सेपरेटेड इट फ्रॉम दीवाने उजरात, उजरत दैट इज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो दीवाने अर्ज नया बना के मिलिट्री अफेयर्स को देखने वाला और उसको अलग कर दिया दीवाने उजरात सो। ठीक है, ही वॉज डीपली रेसिस्ट, बहुत ही रेसिस्ट था एंड एक्सक्लूडेड नन टक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। तो नन टक्स को ना अपने प्रशासन से पूरी तरह से निकाल दिया, नन टक्स हो गया। या इंडियन मुस्लिम्स वेर नॉट गिवन इंपॉर्टेंट पोस्ट इन दिस गवर्नमेंट, जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको पोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं दिया गया इस गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, पर्शियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस्ड हिज कंसेप्शन ऑफ किंगशिप। जो पर्शियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस किया इनके जो इनका जो कंसेप्ट था किंगशिप का। ठीक है, ही टुक द टाइटल ऑफ जिले इलाही। तो जिले इलाही का टाइटल्स भी बलबन ने लिया, दैट इज शैडो ऑफ गॉड, गॉड के शैडो के रूप में। ठीक है, इन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया। फिर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने अडॉप्ट किया, बलबन ने किया। ही डेवलप्ड एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, बहुत ही एफिशिएंट स्पाई सिस्टम डेवलप किया। एंड केप्ट हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड, केप्ट इन्फॉर्म्ड क्या हिमसेल्फ, केप्ट हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड। ठीक है, ब्राउनी इन हिज बुक तारीख़ फिरोजशाही टेल्स अबाउट बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप जो था इसको इन्होंने क्या किया, बलबन जो बलबन का जो थ्योरी था किंगशिप, इसमें ये लिखा गया किसके, तारीख़ फिरोजशाही में। ठीक है, जो ब्राउनी के द्वारा लिखा गया था बुक। ठीक है, फिर मेवाती राजपूत, जो मेवाती राजपूत, मेवाती राजपूत वॉज डिस्ट्रॉयड बाई हिम, इनके द्वारा मेवाती राजपूत पर अटैक करके डिस्ट्रॉय किया गया। ही डाइड इन 1287 CE, 1287 में इसकी डेथ हो जाती है। एंड वॉज सक्सीडेड बाई हिज ग्रैंडसन कैकाबाद, और इसके बाद गद्दी पे कौन बैठते हैं, इनके ग्रैंडसन कैकाबाद। ठीक है, अगर बात करें कैकाबाद की, तो ही वॉज रेज टू थ्रोन बाई नोबल आफ्टर बलबन डेथ। तो बलबन के डेथ के बाद ना जो नोबल्स लोग थे उनके ऑफिस पे उनके राज्य में, उन लोगों ने बैठा दिया कैकाबाद, कैकाबाद को गद्दी पे। ही वॉज सून रिप्लेस्ड बाई सन कैमूर्स, और सून को रिप्लेस कर दिया गया कैमूर्स के द्वारा। ठीक है, फिर 1290 CE में फिरोज द अरिजे ममालिक द मिनिस्टर ऑफ वार हु लेटर ऑन टुक द टाइटल ऑफ जलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, मर्डर्ड कैमूर्स एंड सीज द थ्रोन। फिर जो फिरोज द अरिजे ममालिक जो मिनिस्टर ऑफ वार थे, उसने क्या किया, टाइटल लिया जलालुद्दीन खिलजी खलजी का, और खलजी ने क्या किया, मर्डर कर दिया कैमूर्स का और थ्रोन पे कब्जा कर लिया। और इस तरह से आपका सलेब डायनेस्टी, सलेब डायनेस्टी खत्म होता है और यहाँ से खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये था आपका सलेब डायनेस्टी की पूरी कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।